अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर नज़्म है कि आ बतलाओ तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक, सल्तनत अक्वाम गालिब की है एक जादूगरी। ख्वाब से ज़रा सा बेदार होता है महकूम, अगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की शायरी। अब इस नज़्म का जो पहला मिसरा है, आ बतलाओ तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक, इसमें इन्नल मलूक जो है ये कुरान शरीफ की एक आयत से लिया गया है। उस आयत के अंदर रियासती उमूर बेसिकली डिस्कस हो रहे हैं, स्टेट अफेयर्स उस आयत के अंदर डिस्कस हो रहे हैं मलका बल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान। और उसके अंदर बेसिकली ये कम्युनिकेशन आती है, हज़रत सुलेमान जो कि उस वक्त ग्लोबल पावर थे, बहुत बड़ी एम्पायर उनकी और बहुत दूर दूर तक फैली हुई एम्पायर थी, दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क उनका था उस वक्त। तो वो भेजते हैं एक कम्युनिकेशन हज़रत बल्कीस की तरफ और वो अपने एडवाइज़र से पूछती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उस कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली यही था कि आप मुसलमान हो जाएं और हमारे अलाइंसिस के अंदर शामिल हो जाएं। तो मलका बल्कीस जो हैं वो पूछती हैं, अपने एडवाइज़र से पूछती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनके एडवाइज़र्स कहते हैं कि हमें रजिस्ट करना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी पावरफुल लोग हैं एंड वी कैन फाइट विद देम, हम उनको टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन मलका बल्कीस चूँकि बहुत संजीदा किस्म की लीडर थी तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसको उजाड़ के रख देते हैं। यानी जियोपॉलिटिकल गेम्स का किस तरह से कॉमन लोगों के ऊपर असर पड़ता है उनके बारे में मलका बल्कीस जिक्र कर रही थी। अब इस वाक्य को हज़ारों साल गुजर गए हैं लेकिन अगर आप आज भी देखें तो प्रिंसिपल दुनिया का आज भी वही है, उसूल वही है कि अक्वाम गालिब की जो जादूगरी है वो आज भी सर चढ़ के बोल रही होती है और मुख्तलिफ जो मुल्क होते हैं ना उनको अपने सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट और अपने लोगों की इंटरेस्ट को देखते हुए फैसला करना चाहिए। अगर कोई इस जादूगरी में बह गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या गलत पॉलिसीज अडॉप्ट कर लीं तो फिर उनकी अपने जो अशराफिया होती है और उनके अपने जो लोग होते हैं उन्हीं को नुकसान होता है। रिसेंटली हमने देखा है कि कम से कम 3 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो कि इस अक्वाम गालिब की जादूगरी में बहते हुए नज़र आए हैं। एक तो इसके अंदर यूक्रेन है, यूक्रेन का जो हुक्मरान था ज़ेलेंस्की साहब, इस वक्त उनके पास मसला ये हो रहा है कि अमेरिका से जब एड कम मिलना शुरू हो गई है तो हथियारों का ज़खीरा कहा जा रहा है कि उनके पास ख़त्म हो रहा है, और अगर हथियार उनके पास ख़त्म हो गए तो फिर रशिया उनके ऊपर किस तरह फिर यानी अटैक करेगा। मोबिलाइज कर रहे हैं ऑलरेडी रशियंस अपनी फोर्सेस और गालिबन वो कहते हैं ना फाइनल असॉल्ट के लिए वो तैयार हो रहे हैं क्योंकि उधर से ऊपर से अमेरिका से जो पैसे मिल रहे थे, वेपन्स मिल रहे थे, वो वेपन्स मिलना कम हो गए हैं। नेटो ने ऑलरेडी खतरे की घंटी बजा दी है कि असला बिल्कुल कम बचा है, मज़ीद एड चाहिए, लेकिन वहाँ अमेरिका से रेजिस्टेंस आ रही है कि आपको मज़ीद एड नहीं दे सकते। वहाँ अंदर उनके अपने ही रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स भी खिटपिट चल पड़ी है, उनका स्पीकर जो था वो भी दबड़दूस हो गया इस दरमियान, तो वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस अलग से शुरू हो गए हैं अमेरिका के अंदर और ये ऑलरेडी यूक्रेन के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। तो एक तो यूक्रेन हमें इस अक्वाम आलम की जो सुपर पावर्स की राइवलरी है उसके अंदर हमें दबड़दूस होता हुआ नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रॉन्ग पॉलिसीज़। अगर ज़ेलेंस्की शुरू में ही कन्फ्रंटेशन की बजाय मामला फहमी से काम लेता और पुतिन के साथ भी निगोशिएट करता, उनके साथ भी करता और जंग की तरफ नौबत ना जाती तो मेरे ख्याल से आज ये दिन ना देखने पड़ते, क्योंकि अब तो पता नहीं है ना कि असॉल्ट अगर वो आता है फाइनल वहाँ से तो किस नौयत का होगा, कहाँ तक पुतिन आगे जाएगा। दूसरा मुल्क जो इस अक्वाम गालिब की जादूगिरी में वहाँ है वो इंडिया है। इंडिया को क्या लगा कि वेस्ट के साथ मिल जाएंगे तो चाइना के ख़िलाफ़ हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, चाइना और अमेरिकन ने डील कर ली हुई है इकोनॉमी के हवाले से और एक रेड लाइन्स दोनों ने खींची हुई है कि हम इस रेड लाइन को नहीं क्रॉस करेंगे, आप इस रेड लाइन को नहीं क्रॉस करेंगे। बीच में इंडिया के अपने ताल्लुकात ख़राब हो गए वेस्ट के साथ, कैन यू बिलीव दिस, जिनके ऊपर वो रिलाय करके बैठे हुए थे कि ये हमारी हेल्प करेंगे। तो कनाडा के साथ इन्होंने जो कुछ भी किया, हरदीप सिंह निजार कैनेडियन सिटीजन के साथ, तो उसके बाद आप देखिए इनके क्या ताल्लुकात हो गए वेस्ट के साथ। अमेरिका ने खुल के खालिस्तानियों की सपोर्ट करना शुरू कर दी हुई है। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करने वाले लोग हैं, तो क्रैकडाउन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता खालिस्तानियों के ऊपर, और पॉलिटिकल जो कार्रवाई है उनके ऊपर किसी किस्म का हम कोई रोक टोक नहीं लगा सकते। इंडिया का अपना न्यूज़ आउटलेट आपको दिखाता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि US शॉक्स इंडिया आफ्टर कैनेडा, बाइडन गवर्नमेंट डिफेंड्स प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट्स ऑन अमेरिकन सॉइल,
यानी उन्होंने कहा है कि ये करते रहें प्रोटेस्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इधर टेररिस्ट टेररिस्ट कहते रहते हैं ना, लेकिन वो तो घास ही नहीं डाल रहे अमेरिकन, पूरा का पूरा वेस्ट घास नहीं डाल रहा है। ये वही वेस्ट है जिसके ऊपर रिलाय कर रहे थे कि ये तो हमें अमेरिका जो है और वेस्ट वाले जो हैं ये तो हमें चाइना के खिलाफ बचाएंगे आके। तो वहाँ पर इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो गया, लेकिन एक और मुल्क के साथ भी कुछ इसी तरह के सीन हुए हैं। आ बतलाऊँ तुझको रमज़े आया इनल मलूक, सल्तनत अक्वाम आलम की है एक जादूगरी। तो एक और मुल्क के साथ जादूगरी हुई है और वो है आर्मेनिया। पिछले दिनों आपको याद होगा कि आज़रबैजान ने एक भरपूर किस्म का असॉल्ट लॉन्च किया था आर्मेनिया की प्रोवोकेशंस के जवाब में, और उस असॉल्ट के बाद उन्होंने पुश बैक कर दिया और बड़ी तादाद में आर्मेनियंस जो क्या नगारनो काराबाख में रह रहे थे वो वहाँ से चले गए हैं, और ये इलाका ऑफिशियली इनको मिल गया है, वो सरेंडर हो गया ऑफिशियली। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ये जो आज़रबैजान का काउंटर अटैक हुआ ना, उससे कुछ ही रोज़ पहले अमेरिकन्स, रशियंस और यूरोपियन यूनियन वाले तुर्की के अंदर बैठ के नगारनो काराबाख के फ्यूचर का फैसला कर रहे थे। अब आर्मेनिया समझ रहा था पहले कि रशिया हमारे साथ है, लेकिन रशिया उनके साथ नहीं था। फिर आर्मेनिया वाले समझ रहे थे कि अमेरिकन्स जो हैं बीच में हमारे साथ जो है वो प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। बीच में आपको याद होगा कि मिलिट्री ड्रिल्स भी कर रहे थे इनके साथ मिलके, तो इनको लगा कि अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन अमेरिका भी इनके साथ नहीं था। तो असल में जजमेंट गलत की है इन्होंने, सुपर पावर्स को रीड आज़रबैजान सही तरह से कर गया है, ये सही तरह से नहीं कर सके। पॉलिटिकों ने एक बहुत बड़ी खबर लगाई है, बहुत बड़ी खबर आर्मेनिया के हवाले से, तो कम से कम ये बहुत बड़ी खबर है। कहते हैं कि ईयू, रशिया एंड यूएस हेल्ड सीक्रेट टॉक्स डेज बिफोर नगोर्नो काराबाख बिल्ड्स, मीटिंग इज अ रेयर साइन ऑफ डिप्लोमेसी बिटवीन प्यूरिन एंड द वेस्ट ऑन अ हाई लेवल सिक्योरिटी टॉपिक व्हाइल रेगुलर टाइज हैव बीन अपेंडेड बाय वॉर। इसी खबर को राइटर्स ने भी लिखा है, रशिया सेज इट हेल्ड टॉक्स विद यूएस ईयू ऑन नगोर्नो काराबाख बिफोर क्राइसिस, और टॉक्स के बाद क्राइसिस शुरू होते हैं और आर्मेनिया के हाथ से इलाका चला जाता है। तो इन्होंने मोदी की तरह मिसरीड किया, पहले इनको लगा कि रशिया हमारी हेल्प करेगा, फिर इनको लगा कि अमेरिका हमारी हेल्प करेगा, लेकिन नथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो सुपर पावर्स की राइवलरी में बजाय इसके कि किसी सुपर पावर का बंदा पपेट बन जाए कोई मुल्क, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क और अपने लोगों को देखना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को देखना चाहिए। अगर किसी सुपर पावर का पपेट बनता है कोई मुल्क, तो एंड में उसके लिए जिल्लत और रुसवाई ही बचती है।